स्वागत है आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक वीडियो डाली थी हमने, जिसमें हमने बताया था पोको M3 के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस थे उसके बारे में, जिनके बारे में हमने जाना था उस वीडियो में, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस थे या क्या मिर्च मसाला उस मॉडल में था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका अगर हम कंपैरिजन करें उसी बजट कैटेगरी के जो और मोबाइल्स हैं, जैसे हम बात करें माइक्रोमैक्स की तरफ से जो आने वाला है Note in 1, और उसके साथ साथ में जो Redmi Power 9 करके मॉडल है उसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे और जानेंगे सारे स्पेसिफिकेशन सारे मॉडल्स के साथ और क्या क्या चीज़ें इनमें सब में अलग है। तो गाइस वीडियो में आखिर तक बने रहिए जानकारी के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके नीचे बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी कमेंट करिएगा, नहीं लगी तब भी करके बताइएगा कि आपको कैसा कंटेंट आगे चाहिए, कोशिश करेंगे कि आगे से आपको अच्छा कंटेंट देने की। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन के बाद। सबसे पहले आपको एक बता दें कि जो Redmi का 9 Power करके जो मॉडल है वो और जो ये M3 मॉडल है Poco का, यहाँ पे दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। डिस्प्ले का साइज़ सेम है, 6.53 इंच की डिस्प्ले हमें दोनों ही मॉडल में देखने को मिलती है, फुल HD रेजोल्यूशंस हैं, कैमरा भी हमें सेम ही देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल और 8 सेल्फी के लिए कैमरा है। बट यहाँ पे दोनों मॉडल्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक मेनली डिफरेंस आ रहा है जो ये है कि यहाँ पे जो Poco M3 है यहाँ पे हमें 6GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें Redmi Power 9 में तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है 4GB रैम। तो यहाँ पे इतना सा कंपेरिजन है और इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस जो प्रोसेसर है और जितनी भी सारी जानकारी है वो सारी सेम ही है दोनों मॉडल्स में। तो जानते हैं एक एक करके सारे मॉडल के बारे में हर एक चीज़। सबसे पहले गए यहाँ पे बात करें नेटवर्क की, तो तीनों ही मॉडल आते हैं 5G नेटवर्क के साथ, और 5G की अगर बैंडिंग की बात करें कि कौन कौन से बैंड हैं जो इंडिया में सपोर्ट होंगे इन मॉडल्स में, तो एक्चुअली ऐसा है कि जब तक कोई नेटवर्क नहीं आता, अभी डिस्कशन चल रहा है कि 5G के कौन से बैंड हैं जो इंडिया में आने को हैं, उन पर लेके डिसीजन चल रहा है, तो जल्दी ही आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से बैंड्स होंगे हमारे इंडिया के लिए, और जो तराई और ISRO की तरफ से जो भी आ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से बैंड दिए जाने हैं और इसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, क्योंकि कुछ हमें किसी चीज़ के अंतर्गत रह के और जो क्लॉक स्पीड्स होती है वो सारी देखनी जाती है, और उन्हीं के गीगाहर्ट्ज़ को मध्य में नज़र रखते हुए ही जो नेटवर्क आएगा वो यहाँ पर इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 5G तो सारे ही मॉडल्स में आता है, तो ये तो एक कॉमन सी बात है। Poco M3 और Redmi 9 Power जो मॉडल हैं वो दोनों ही लगभग 163 ग्राम्स के आसपास आते हैं, और जो यहाँ पे माइक्रोमैक्स का है मॉडल माइक्रोमैक्स इन नोट 1 वो यहाँ पे थोड़ा 165 ग्राम के आसपास है, तो थोड़ा सा वो साइज़ में बल्कि है, बाकी जो ओवरऑल मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पता लगेगा अगर नॉर्मल यूजर हाथ में सारे ही मोबाइल्स को लेता है, तो लगभग सारे मॉडल्स एक ही साइज़ के हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बात करें प्रोटेक्शन की, तो सारे ही मोबाइल्स में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है सामने की तरफ, जिससे क्या है कि अगर मोबाइल हल्का फुल्का थोड़ी बहुत ऊंचाई से गिर जाता है तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो जो रेडमी का 9 पावर मॉडल है वो और जो Poco का M3 मॉडल है, यहाँ पे हमें दोनों में ही 6.53 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी हम पीक ब्राइटनेस की अगर बात करें तो हम यहाँ पे 450 निट्स तक ले जा सकते हैं, बट जो माइक्रोमैक्स का मॉडल है उसकी जो पीक ब्राइटनेस है उसको हम यहाँ पे 50-100 निट्स तक ले जा सकते हैं। वहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर डे टाइम में हम यूज़ करने की बात करें तो थोड़ी सी उसकी जो ब्राइटनेस की पीक है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो माइक्रोमैक्स हमें अच्छा एक एडवांटेज दे रहा है। Redmi और Poco के जो दोनों मॉडल है उसमें हमें 6.53 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन जो माइक्रोमैक्स नोट 1 भी है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है 6.67 इंच की डिस्प्ले, तो जो थोड़ा सा डिस्प्ले का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, इसी की वजह से जो उसका साइज़ है और जो उसका वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इन दोनों मॉडल से। बाकी जैसा कि पहले भी बताया कि ये दोनों मॉडल Poco की तरफ से M3 और जो Redmi का 9 Power मॉडल है, यहाँ पे दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ रैम का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर गाइस यहाँ पे बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज हमें यहाँ पे तीनों ही मॉडल देखने को मिल जाता है। Poco का M3 मॉडल जो है वो हमें यहाँ पे 4GB और 6GB वेरियंट में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें स्टोरेज अगर बात करें एक्सटर्नल स्टोरेज की भी, तो वहाँ पर 64 और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो Redmi का 9 Power है, वहाँ पर हमें 4GB वेरिएंट देखने को मिलता है 64GB और 128GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ, और वहीं पे अगर हम बात करें जो माइक्रोमैक्स का मॉडल है उसके स्टोरेज की बात, तो वहाँ पे हमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज और 4GB रैम और 128GB स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात करें तो हमें दो मॉडल्स में जो Redmi का है और उसमें और जो Poco का मॉडल है, यहाँ पे हमें UFS 2 और UFS 2.2 हमें देखने को मिल जाएगा।
बट वहीं पे अगर हम बात करें माइक्रोमैक्स में, तो वहाँ पे हमें EMMC जो 5.0 है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो UFS 2.0 और UFS 2 है वो थोड़ा सा फास्टर होता है EMMC 5.0 से। तो ये यहाँ पे अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपके आपको जब डेटा ट्रांसफ़र करना होता है अपने मोबाइल से PC में या PC से मोबाइल में, तो वहाँ पे जो स्टोरेज टाइप होता है वहाँ पे, और इसमें साथ साथ हमें USB टाइप सी भी देखने को मिलती है, जिसके साथ में क्या है कि हम जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो थोड़ा हमें हायर मिल जाता है और हम अच्छा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं काफ़ी स्पीड से। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो सकती है ये यहाँ पे पोको और रेडमी की तरफ एक अच्छी बात हो सकती है कि दोनों में ये थोड़ा सा डिफ्रेंसेस मिलता है। नेक्स्ट आया यहाँ पे बात करें कैमरे को लेकर, तो कैमरा तीनों ही मॉडल्स में प्राइमरी सेंसर जो है वो हमें 48 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलता है। बट उसके बाद में यहाँ पे अगर हम रेडमी नोट पावर की बात करें तो वहाँ पे 4 कैमरे का स्लॉट और माइक्रोमैक्स में भी 4 कैमरे का स्लॉट देखने को मिलता है जहाँ पे, और हमें 2-2 मेगापिक्सल के अगर पोको M3 की बात करें तो वहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल्स के कैमरे डेप्थ सेंसिंग और माइक्रो शॉट्स के लिए दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें माइक्रोमैक्स और रेडमी की, तो वहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का और माइक्रोमैक्स में हमें 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि चौथा कैमरा है, और वो यहाँ पे पोको ने नहीं दिया है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है पोको की तरफ से। बाकी गाइस अगर सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे रेडमी और पोको दोनों में ही हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि आप काफ़ी अच्छी फुटेज ले सकते हैं। बट माइक्रोमैक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे क्या है कि हमारी जो सेल्फी फुटेज होगी वो थोड़ी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए सेल्फी अच्छी है तो वो माइक्रोमैक्स की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे जानते हैं और जानकारी। यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें, क्योंकि कोई भी मॉडल है उसकी जो बैटरी बैकअप है वो तो काफ़ी अच्छा होना ही चाहिए। तो बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पे हमें पोको M3 और रेडमी 9 पावर में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 18 वाट की चार्जिंग के साथ, जिससे क्या है कि हम जो बैटरी यूजेज है वो काफ़ी लंबा हमारा चलेगा और काफ़ी अच्छा यूजेस ले सकते हैं और काफ़ी डे लॉन्ग तक हम चला सकते हैं। काफ़ी हैवी यूज़ करेंगे तब भी हमारी मोबाइल की जो बैटरी वो आराम से एक दिन हमारा निकल जाएगा। वहीं पे माइक्रोमैक्स की बात करें तो वहाँ पे 18 वाट की चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी आती है। तो बैटरी में थोड़ा सा दोनों नंबर जो मोबाइल है वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं और बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तब भी, नहीं अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा है। आगे से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट देने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय। Thank you.